नमस्कार दोस्तों, यशोदा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्लास ट्वेल्थ का मैथ का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों अध्याय 2 का विविध प्रश्नावली है, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। पहला क्वेश्चन लिख लेंगे दोस्तों, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, यही है ना दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों बताए थे आपको कि जब भी कॉस का कंडीशन आ जाए तो उसमें हम लोग इस तरह से 2π-13π/6 करते हैं, क्योंकि पाई का मान एक साथ यानी कॉस 360° - थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग 2π-13π/6 के कॉस इनवर्स कॉस 6×12 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6×6×12π-13π/6। तो कॉस इनवर्स कॉस 12π-13π- कितना हो जाएगा दोस्तों, -π/6। अब फार्मूला बताए थे कॉस इनवर्स कॉस एक्स इजकल टू क्या आता है, एक्स होता है तो एक्स बराबर एक्स के जगह पर कितना है -π/6, इसलिए -π/6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों टैन इनवर्स टैन 7π/6। टैन इनवर्स टैन 7π/6 टैन इनवर्स टैन 7π/6। देखिए दोस्तों उसको भी इस तरह से करेंगे, अंदर ही माइनस करेंगे। टैन इनवर्स टैन पाई 180 - थीटा नहीं, टैन 180 - थीटा टैन थीटा, टैन पाई -7π/6। तो इसमें क्या लेंगे दोस्तों, टैन इनवर्स टैन एलसीएम लेंगे 6, तो 6π-7π क्या होगा दोस्तों, टैन इनवर्स टैन 6π-7π जाएगा तो कितना बचेगा, -π/6। तो टैन इनवर्स टैन एक्स का फॉर्मूला क्या बताए थे, एक्स एक्स के ऊपर कितना -π/6, इसलिए -π/6 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों सिद्ध करने के लिए, वो ठीक है ना दोस्तों, सिद्ध कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है 2 sin/3/5 = tan/24/7 सिद्ध करना, ठीक है ना दोस्तों। तो एल एच एस से चलेंगे और आर एच एस लाना, ठीक है दोस्तों। टू साइन इनवर्स 3/5 इजकल टू टैन इनवर्स 24/7 यही सिद्ध करना दोस्तों। एल एच एस से चलेंगे, आर एच एस लाना, ठीक है ना दोस्तों। एल एच एस से चलते हैं दोस्तों, 2 sin/3/5। तो देखिए दोस्तों 2 को छोड़ देंगे, ये पूरा साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा माने प्लस 3/5 इक्वल टू थीटा, तो इनवर्स ई पट्टी आएगा, तो बराबर के ई पट्टी आ जाता है तो क्या हो जाता है, इनवर्स हट जाता है। तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो साइन थीटा वाला लंब बटा क्या कर,
तो आधार हमको निकालना है, तो रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लैम के स्क्वायर, तो आधार कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, अब 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 25 में से 9 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 का प्रमूल कितना होता है 4 होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आधार हमको कितना निकल के आया, 4 आया निकल के, ठीक है ना दोस्तों। हमको चाहिए देखिए दोस्तों कि यहाँ पे साइन साइन में है, इधर मान कह रहा है टैन, टैन में लाने के लिए हमको इतना करना पड़ेगा, ठीक ना। इसलिए टैन थीटा बराबर क्या होता है लैम बटा आधार, तो टैन थीटा इजकल टू लैम कितना है, लैम 3 है, तो 3 बटे आधार कितना निकल गया 4, तो 3 बटे 4, तो थीटा रह क्या हो जाए टैन थीटा बराबर 3 बटे 4, तो थीटा बराबर टैन इनवर्स 3/4 होगा, क्योंकि बराबर कहीं पर टैन है तो ये बेटी आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो थीटा बराबर टैन इनवर्स 3/4, ठीक है ना दोस्तों, टैन इनवर्स 3/4, देखिए टैन इनवर्स 3/4 इसको हम क्या माने थे, थीटा माने थे, यानी पूरा का मान है साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, तो यहाँ पे थीटा रख देते हैं 2 थीटा, 2 थीटा के जगह पर क्या होगा, थीटा के जगह पर हम लोग निकाले टैन इनवर्स 3/4, 2 tan inverse 3/4, ठीक है ना दोस्तों। अब 2 tan inverse x का फार्मूला होता है, ठीक है ना दोस्तों, 2 tan inverse x का फार्मूला क्या होता है, 2 tan inverse x का फार्मूला होता है tan inverse 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे लिख दें चूंकि 2 tan inverse x इक्वल टू होता है टैन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे सेट कर देंगे मान निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 tan inverse x बराबर होता है टैन इनवर्स 2x, 2x एक्स जगह पर 3/4 है, तो 3/4 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों स्पेस नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टैन इनवर्स क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स 2x, 2 × 3/4 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। तो टैन इनवर्स 2 × 4, तो 3/2 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ऐसे नीचे कितना हो जाएगा 16, तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना दोस्तों। तो टैन इनवर्स 3/2, आई नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, 16/7, ठीक है ना दोस्तों। तो कितना होगा 2 × 8 = 16, तो टैन इनवर्स निकाल के कितना आ जाएगा 8 × 3 = 24 बटे में 7, यही ना हमको सिद्ध करने था दोस्तों। तो आर एच एस बराबर कितना हो जाएगा टैन इनवर्स 24/7, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस निकल के आ गया ना, यही ना सिद्ध करना था दोस्तों। 2 sin inverse 3/5 करो टैन इनवर्स 24/7, जब इतना निकालें तो निकल के आया ना दोस्तों टैन इनवर्स 24/7, तो प्रूव्ड हो गया दोस्तों, सिद्ध करना था, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थ्री नंबर क्वेश्चन हो गया ना दोस्तों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टैन इनवर्स 77/36। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या है टैन इनवर्स 77/36। टैन इनवर्स 77/36
ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एल एच एस में दिया है साइन में वैल्यू और आर एच एस में दिया है टैन में वैल्यू। तो टैन में लाने के लिए दोनों को चेंज करना पड़ेगा टैन में, तभी तो टैन में आएगा। साइन का वैल्यू हम टैन में चेंज करेंगे तब टैन का वैल्यू आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको मान लेते हैं साइन वाला 60/17 इक्वल टू थीटा, इसको मान लेते हैं साइन वाला 3/5 इक्वल टू थीटा, थीटा नहीं दोस्तों एक्स मान लीजिए। साइन वाला 60/17 इक्वल टू एक्स और साइन वाला 3/5 इक्वल टू वाई। तो पहले यहाँ पे चलिए, साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू एक्स, ठीक है दोस्तों। तो साइन इनवर्स साइन वर्स 8/17 इक्वल टू एक्स, तो एक्स में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो साइन इनवर्स ई पटे तो बराबर के ई पटे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 8/17, ठीक है ना। बताए थे ना दोस्तों कि इनवर्स की ई पट्टी अगर इनवर्स में है तो बराबर के ऊपर पट जाएगा, तो इनवर्स हट जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो साइन एक्स इक्वल टू 8/17, तो साइन थीटा का क्या होता है लंबा टिकर, तो आधार निकालेगा तो कितना आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर तो 289 और लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर तो 64, तो 289 में से 64 माइनस करेगा तो कितना बचेगा दोस्तों 225, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 2 की 2 225 और बी 225 का ब्रह्म कितना होता है 15 होता है। तो आधार निकल के आया ना, तो टैन हमको चाहिए वैल्यू ना, टैन ठीटा बड़ा क्या होता है लैम्ब बटे आधार, तो टैन थीटा इक्वल टू लैम्ब कितना है लैम्ब 8 है बटे में आधार 15 है, तो 8/15, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा टैन इनवर्स 8/15, ठीक है ना दोस्तों। तो हमको एक्स का मान निकल के आ गया ना दोस्तों, थीटा यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे यहाँ पे एक्स मान लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स मान है, तो टैन एक्स टैन एक्स इक्वल टू लम बटे आधार, तो टैन एक्स इक्वल टू 8/ कितना हो गया 15, तो टैन एक्स इक्वल टू 8/15, तो एक्स में क्या होगा बराबर की पड़े टैन है तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स में जाएगा, तो एक्स में टैन इनवर्स 8/15 यानी एक्स का मान हमको निकाल के आ गया, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 5 मानते हैं, ठीक है ना। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या बाई, ठीक है ना दोस्तों। तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू बाई, तो साइन बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5 होगा, क्योंकि इनवर्स ऊपर जाएगा तो इनवर्स हार जाएगा, साइन थीटा और लंब बटे आधार, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, ठीक है ना दोस्तों। आधार नहीं, साइन थीटा वाला लंब बटा कर्ण होता, ठीक है। तो आधार कितना है रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, ये 25 में से 9 हो जाएगा तो 16, 16 का वर्गमूल कितना 4। तो टैन में हमको वैल्यू चाहिए, इसलिए टैन बाई इक्वल टू टैन बाई यहाँ पे थीटा भी मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग बाई माने इसलिए बाई लेकर चल रहे हैं। तो टैन बाई इक्वल टू होता है क्या टैन थीटा वाला लंब बटे आधार यानी टैन बाई इक्वल टू लंब बटे आधार, तो टैन बाई इक्वल टू लंब कितना है लंब यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख दिए, आधार कितना निकल गया 4, तो 3/4, तो बाई जो कितना है टैन इनवर्स 3/4 होगा, क्योंकि ई पट्टी आएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, तो टैन इनवर्स 3/4, तो एक्स का मान निकल के आ गया टैन इनवर्स 8/15 और वाई का मान निकल के आया टैन इनवर्स 3/4। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, एक्स वाला निकल के आया कितना टैन इनवर्स 8/15 और टैन प्लस टैन इनवर्स कितना 3/4 आए ना दोस्तों, निकल के 3/4। आप देखिए दोस्तों, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो 8/15 प्लस वाई की जगह पर 3/4, तो 3/4
बटे में वन माइनस एक्स वाई, एक्स यहाँ पर 8/15 इंटू 3/4। ठीक है ना दोस्तों, टाइन इनवर्स 8/15, 4 का सेम 15 × 4, 15 से 15 खत्म, 8 × 4 = 32, प्लस 4 से 4 खत्म तो 15 × 3 = 45 बटे में। नीचे भी लेंगे सेम 15 × 4 तो पूरे हो जाएगा गुना एक से, तो 15 × 4 माइनस 15 × 4 से 15 × 4 खत्म हो गया, तो 8 × 3 = 24। तो टाइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 15 × 4 से 15 × 4 नीचे से नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना दोस्तों, ऊपर नीचे करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 = 7 और 4 × 3 = 7 यानी 77 बटे 15 × 60 माइनस 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी टाइम इन्वर्स 77/36। यही ना सिद्ध करना था दोस्तों, तो आर एच एस निकल के आ गया, आर एच एस प्रूव्ड। ठीक ना दोस्तों, देखिए दोस्तों यही हमको सिद्ध करना था, टाइम इन्वर्स 77/36 तो निकल के आया ना, टाइम इन्वर्स 77/36, समझ में आया ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, फाइव नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65 सिद्ध करना। ठीक है ना, कॉस इनवर्स से 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू सिद्ध करना कॉस इनवर्स 33/65, कॉस इनवर्स 33/65 यही ना सिद्ध करना दोस्तों। तो इसका फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला हो गया कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, तो इस पर सिद्ध कर देंगे कॉस इनवर्स एक्स वाई, तो एक्स की जगह पर कितना है 4/5 इंटू वाई की जगह पर कितना है 12/13। ठीक है ना दोस्तों, माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स की जगह पर कितना है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, इंटू रूट अंडर वन माइनस बाई स्क्वायर, तो बाई की जगह पर कितना है, बाई की जगह पर 12/13 है, तो माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, तो कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा, 12 × 48 / 13 = 65 रूट अंडर वन माइनस 4² = 16/5² = 25 रूट अंडर वन माइनस 12² = 144/13² = 69। तो इसका कैलकुलेशन कर लेंगे दोस्तों, कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 25 एलसीएम लेंगे तो 25 − 16/25। ठीक है ना दोस्तों, इंटू रूट अंडर 169 − 144/169। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे आप नीचे जगह नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं बगल में, तो कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3/5, 5 का वर्गमूल कितना होता है 5 का नहीं 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, यहाँ पे 5 लिख दिया ना,
हाथ पे इंटू है तो इंटू लिखेंगे गुना 169 में से 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2 तो 25, 25 के वर्गमूल कितना 5, तो 5 लिख दिए यहाँ पे 169, 169 का वर्गमूल कितना होता 13, तो 13 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों 5 से 5 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा कॉस इनवर्स 48/65 -3/13, ठीक है दोस्तों। तो कॉस इनवर्स से एलसीएम लेंगे 65 13 कैसे हैं तो 65 का 65 तो 65 48 -13 बचे 65 5 15, तो कॉस इनवर्स 48 में से 15 घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 1 गया तो 3, तो टेन कॉस इनवर्स 33/65 निकल के आया ना दोस्तों, ये ना सिद्ध करना था आरएचएस प्रूफ, ठीक है ना दोस्तों। कॉस इनवर्स 33/65 निकालना था ना, तो यही निकल के आया ना यहाँ पे कॉस इनवर्स 33/65 आंसर हो गया, समझ में आया ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65 सिद्ध करना, ठीक है ना दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कितना है साइन इनवर्स में है दोस्तों, साइन इनवर्स 56/65 यही सिद्ध करना है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो एलएचएस से चलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, तो इसको मान लेते हैं कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू एक्स और साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू मान लेते हैं बाई, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे बगल में इसको कैलकुलेशन पहले कर लेंगे, कॉस इनवर्स 12/13 बराबर क्या माने हैं एक्स माने हैं, तो एक्स लिख लेंगे तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा इनवर्स बराबर की पटे जाएगा तो कॉस एक्स इक्वल टू होगा 12/13 हो जाएगा दोस्तों। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो लम कितना हो जाएगा रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो पी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 4 गए तो 2, तो 25, 25 का वर्गमूल 5, तो कॉस निकल के आएगा, हमको निकालना है साइन में मान, तो साइन यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन एक्स इजकल टू यानी थीटा मान लेते हैं इसको, तो साइन एक्स इजकल टू साइन थीटा लम बटे कर्ण, तो लम कितना है 5 निकल के आया और कर्ण कितना है 13 है ना, तो यहाँ पे 5/13, तो साइन एक्स इजकल टू 5/13, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बराबर की पटे आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 5/13 होगा क्योंकि इनवर्स हमको मान चाहिए इसलिए इनवर्स में ला रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स का मान निकल के आ गया, अब बाई बराबर हम निकालेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो साइन इनवर्स 3/5 इजकल टू बाई, तो साइन बाई इजकल टू क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो साइन थीटा वाला लम बटे कर, तो आधार निकल के आ जाए कितना 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, आधार वाला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लैम का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 यानी 16, 16 के बराबर में होता है 4, तो हो जाएगा साइन बाई क्यों निकालें दोस्तों, ये तो हमको दे ली है ये नहीं निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, इसको सिर्फ मान लीजिए बाय ये वाला साइन इनवर्स 3/5 जो बताएं इनवर्स में, तो साइन में निकालना ही है ये है साइन में निकालना है और साइन में दिया हुआ है ये, तो इसको चेंज क्यों करेंगे इसलिए इसको नहीं करेंगे, ठीक है ना।
सिर्फ ओ निकालेंगे। तो हम एक्स का मान निकाल के आया कितना, साइन इनवर्स 5/13। तो एक्स के यहाँ पर क्या लिख देते हैं, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू वन इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ इस पर सेट कर देंगे निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेट कर देते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स कितना है, 5/13 इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। तो रूट वन माइनस वाई कितना है, 3/5 है। तो 3/5 का स्क्वायर करेंगे कितना, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई कितना है, 3/5 इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स कितना है, 5/13। तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25 है, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है ना दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 इंटू 25 एलसीएम लेंगे तो 25 में से 9 जाएगा 25 माइनस 9 प्लस 3/5 इंटू रूट अंडर 169 क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 25 हो जाएगा दोस्तों। तो अब निकालना है यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13 इंटू 25 में से 9 जाएगा तो कितना, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो 4 लिख देते हैं, अब यहाँ पे कितना है, 25 है, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो 5 लिख देते हैं प्लस 3/5 इंटू 169 में से 25 जाएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4 यानी 144। 144 का वर्गमूल कितना, 12। और 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13। इसमें से अगर 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 आएगा, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। ठीक है ना दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, साइन इनवर्स 5 से 5 ख़त्म हो जाएगा और दोस्तों 4/13 प्लस भारतीय 36/13 / 5 65। और देख लीजिए दोस्तों, साइन इनवर्स नीचे 13/65 का एलसीएम लेंगे तो 13/65 5 × 20 65 × 65 करेंगे 36 है तो 36। अब जोड़ दीजिए, साइन इनवर्स 20 और 36 कितना आ जाएगा, 56/65। यही ना सिद्ध करना था दोस्तों, तो RHS हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए यही सिद्ध करना था, साइन इनवर्स 56/65 यहाँ पे सिद्ध करके करने पर यहाँ पर आया 56/65। ठीक है ना दोस्तों, आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स में हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा, तो कॉस में है तो इसको हमको साइन में चेंज करना पड़ा। साइन में हमको चेंज करने के लिए क्या बताएं कि इसको एक्स मान लीजिए तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 12/13 तो एक्स कॉस 12/13। ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया ना दोस्तों, 7th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन कर रहा है, टाइन वर्स 3/16 इक्वल टू साइन वर्स 5/13 इक्वल टू को प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है ना दोस्तों, तो टाइन इनवर्स 3/16 इक्वल टू साइन इनवर्स
पाँच बटे तेरह प्लस कॉस इनवर्स कितना, तीन बटे पाँच, यही ना करना है दोस्तों। तो हम लोग देखिए दोस्तों आर एच एस से सिद्ध करते हैं, ठीक है। आर एच एस कितना है, साइन इनवर्स पाँच बटे तेरह प्लस कॉस इनवर्स तीन बटे पाँच, ये एल एच एस हो गया, ये हो गया आर एच एस। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे साइन के में वैल्यू, यहाँ पे कॉस में वैल्यू, हमको सिद्ध करना है टैन में, तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा, टैन में हमको लाना पड़ेगा वैल्यू। तो इसको मान लेते हैं साइन इनवर्स पाँच बटे तेरह इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स तीन बटे पाँच इक्वल टू वाई। यहाँ पे बगल में आप इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स पाँच बटे तेरह इक्वल टू एक्स, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, पाँच बटे तेरह हो जाएगा। तो साइन थीटा का क्या होता है, लम बटे कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा, रूट कर्ण का स्क्वायर तेरह का स्क्वायर एक सौ उनहत्तर माइनस लम का स्क्वायर पाँच का स्क्वायर पच्चीस। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, उनहत्तर एक सौ उनहत्तर माइनस पच्चीस हो जाएगा, तो कितना, नौ में से पाँच हो गया तो चार, छः में से दो हो जाएगा तो चार, यानी एक सौ चालीस, एक सौ चालीस के बारे में कितना, बारह। तो हमको टैन में चाहिए ना वैल्यू, तो टैन एक्स इजकल टू क्या, लम बटे आधार। तो टैन एक्स इजकल टू लम कितना है, पाँच है, तो पाँच लिख देंगे, आधार कितना निकल गया है, बारह, तो पाँच बटे बारह, तो एक से बराबर किया हो जाएगा, टाइन इनवर्स पाँच बटे बारह हो जाएगा, क्योंकि बराबर की पटे जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। तो हमको एक्स का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है ना। अब बाई का मान निकलना, तो कॉस इनवर्स तीन बटे पाँच इक्वल टू बाई, तो कॉस बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीन बटे पाँच, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो लम कितना है, रूट कर्ण के स्क्वायर यानी पाँच के स्क्वायर माइनस तीन के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर यानी पच्चीस में से नौ जाएगा तो कितना, सोलह, सोलह का बराबर कितना, चार, तो लम कितना है जाएगा, चार, तो टैन थीटा यानी टैन बाई का टू क्या, लम बटे आधार, तो लम कितना है, चार है, आधार कितना है, आधार यहाँ पे है तीन, तो चार बटे तीन, तो टैन वाई इक्वल टू चार बटे तीन, तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, बराबर की पटे टैन है तो एक पटे आएगा, तीन इनवर्स में आ जाएगा, क्योंकि इनवर्स में हमको मान चाहिए, तो टैन इनवर्स चार बटे तीन, तो बाई का मान चार बटे तीन आ गया। यहाँ पे आप पुट कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। एक सौ टैन इनवर्स पाँच बटे बारह, तो यहाँ पर टैन इनवर्स पाँच बटे बारह प्लस बाई मेरा कितना निकल गया है, टैन इनवर्स चार बटे तीन। तब देखिए दोस्तों टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई बटा क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई, तो एक्स यहाँ पर पाँच बटे बारह प्लस वाई चार बटे तीन बटे में वन माइनस एक्स वाई, तो एक्स पाँच बटे बारह इंटू वाई चार बटे तीन। अब यहाँ पर दोस्तों एलसीएम लेके कैलकुलेशन कर देंगे आप क्या, ठीक है ना दोस्तों। तो बारह तीन का एलसीएम कितना, बारह होगा ना, तो कितना हो जाएगा, बारह से बारह करता हूँ तो पाँच प्लस तीन चौके बारह कितना हो जाएगा दोस्तों, अच्छा बारह गुना तीन ले लीजिए नीचे, तो बारह से बारह करता हूँ तो पाँच तीन पंद्रह, ठीक है ना दोस्तों। अब तीन से तीन खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, बारह चौके अड़तालीस बटे में बारह तीन, बारह तीन नीचे भी ऐसे लेंगे तो बारह तीन छत्तीस माइनस पाँच चौके बीस, टैन इनवर्स कितना हो जाएगा, बारह गुना तीन से बारह गुना तीन कैसे कितना हो जाएगा, पंद्रह प्लस अड़तालीस कितना, आठ पाँच तेरह, चार एक पाँच एक छः तिरसठ बटे में छत्तीस में से बीस जाएगा तो छः में से जीरो गया छः, तीन में से दो गया जाए तो एक, टैन इनवर्स तिरसठ बटे सोलह, यही ना एल एच एस है दोस्तों, यही हमको सिद्ध करना था, एल एच एस प्रूव्ड, ठीक है ना। एल एच एस यही ना था, टैन इनवर्स तिरसठ बटे सोलह सिद्ध करना था, हम लोग यहाँ पे सिद्ध करके तिरसठ बटे सोलह ले आए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एट नंबर क्वेश्चन है टैन इनवर्स एक बटे पाँच
टैन इनवर्स एक बटे पाँच प्लस टैन इनवर्स एक बटे सात प्लस टैन इनवर्स एक बटे तीन प्लस टैन इनवर्स एक बटे आठ इक्वल टू पाई बटे फोर लाना, सिद्ध करना, ठीक है ना। तो इसको फार्मूला पर सेट करना होगा दोस्तों, ठीक है ना। टैन इनवर्स एक बटे पाँच प्लस टैन इनवर्स एक बटे सात प्लस टैन इनवर्स एक बटे आठ इक्वल टू पाई बटे फोर लाना, ठीक है दोस्तों। तो LHS से चलेंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग फार्मूला कॉपी पर नोट करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जगह नहीं है कि हम लोग फार्मूला लिख सकें, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं तो आप कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं इसका। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई प्लस टैन इनवर्स जेड का फार्मूला होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटा में वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स, यही फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे इसको फिर फार्मूला पर सेट करेंगे, यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना। टैन इनवर्स जगह नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से कर देते हैं टैन इनवर्स एक्स कितना है एक बटे पाँच, एक बटे पाँच प्लस एक बटे सात प्लस एक बटे आठ, एक्स वाई जेड कर दिया माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो एक बटे पाँच इंटू एक बटे सात इंटू एक बटे आठ बटे में वन माइनस एक्स वाई यानी एक एक्स है एक बटे पाँच इंटू वाई एक बटे सात माइनस वाई इंटू जेड यानी एक बटे सात इंटू एक बटे आठ माइनस जेड इंटू एक्स, तो एक बटे आठ इंटू एक बटे पाँच। बस इतना कैलकुलेशन कर दीजिए, निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो टैन इनवर्स पाँच सात आठ क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, पाँच गुना सात गुना आठ, पाँच गुना सात गुना आठ से पाँच गुना सात गुना आठ कैंसिल हो जाएगा, तो एक एक दो एक तीन हो जाएगा माइनस पाँच गुना सात गुना आठ से पाँच गुना सात गुना आठ क्या आ रहा दोस्तों, कैंसिल होगा ना। यहाँ पे दोस्तों पाँच गुना सात गुना आठ, पाँच गुना सात गुना आठ यहाँ पे नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन गलती लिख लें। देखिए दोस्तों टैन इनवर्स एक बटे तीन है यहाँ पे ना, टैन इनवर्स एक बटे तीन यहाँ पे लिखिए, पाँच तीन आठ, पाँच तीन आठ ही ना दोस्तों टैन इनवर्स एक बटे पाँच, टैन इनवर्स एक बटे सात और टैन इनवर्स एक बटे तीन, टैन इनवर्स एक बटे पाँच, टैन इनवर्स एक बटे सात, टैन इनवर्स एक बटे तीन प्लस टैन इनवर्स एक बटे आठ, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे एक बटे पाँच एक बटे सात प्लस एक बटे तीन प्लस एक बटे आठ होगा, ठीक है ना। एक बटे पाँच एक एक बटे सात एक बटे आठ इंटू एक बटे तीन पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक बटे पाँच इंटू एक बटे सात माइनस एक बटे तीन इंटू एक बटे आठ, अरे देखिए तो इसको फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन गलती लिखा गया, ठीक है। तो इसको हम फिर से क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है एट नंबर क्वेश्चन, टैन इनवर्स एक बटे पाँच प्लस टैन इनवर्स एक बटे सात प्लस टैन इनवर्स एक बटे तीन प्लस टैन इनवर्स एक बटे आठ इक्वल टू पाई बटे क्या फोर। तो इसको क्या करना,
इतना से हमको पाई बाई फोर लाना है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको फार्मूला टेन वर्स एक्स पास टेन वर्स वाई पास टेन वर्स जेड, ठीक है ना दोस्तों, इसके फार्मूला सेट करना पड़ेगा, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक बटे पाँच इंटू एक बटे सात इंटू एक बटे तीन, ठीक है ना दोस्तों, और वन माइनस एक बटे पाँच इंटू एक बटे सात माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, तो एक बटे सात इंटू एक बटे तीन माइनस जेड एक्स, तो एक बटे एक बटे पाँच गुना सात माइनस एक बटा तीन गुना तीन, तीन गुना तीन होगा दोस्तों, ठीक है ना। एक बटा तीन गुना तीन माइनस एक बटा तीन गुना एक बटे पाँच, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम की तरफ से एक क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत लंबा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर इसको निकाल के इतना निकाल के फिर आपको एक्स प्लस वाई पर सिद्ध करना है, ठीक है ना। ये बहुत लंबा चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और सिद्ध कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन सिद्ध कीजिए, टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू वन बाई टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स बट वन प्लस एक्स। टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू वन बाई टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स बट वन प्लस एक्स, यही है दोस्तों। इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे है आप लोग को यहाँ पे लेके नीचे कुछ नहीं, तो कितना है वन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, तो टू टाइन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स बटा वन प्लस एक्स हो जाएगा, ये दो इधर गुना हो जाएगा, तो टू टाइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा ना, तो कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स बटा वन प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला होता है चूँकि टू टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स बटा वन प्लस एक्स, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू टैन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो उसके जगह पर, यहाँ पे ई एल एच एस हो गया, यहाँ पे आर एच एस हो गया, ठीक है ना। तो एल एच एस से चलेंगे तो टू टाइम वर्स रूट एक्स, ठीक है ना। तो टू टाइम वर्स रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर बटे वन प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। एक्स यहाँ पर कितना है, रूट एक्स है, इसलिए रूट एक्स का होल स्क्वायर किए, तो कॉस इनवर्स वन माइनस स्क्वायर से क्या होगा, रूट खत्म होगा, तो वन माइनस एक्स बटा वन प्लस एक्स, हमको यही ना सीधे करना था दोस्तों। टू टाइम इनवर्स रूट एक्स बराबर हमको क्या लाना था, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स बटा वन प्लस एक्स, तो यहीं पर तो हमको सिद्ध हो गया, एल एच एस बराबर क्या आ गया, आर एच एस प्रूव्ड, ठीक है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों,
चलिए दोस्तों, आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम दोस्तों 10th नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों।